बेसिक शिक्षा परिषद के तत्वावधान में रविवार को योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में जनपद के सभी संकुल शिक्षकों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यशाला के एक्सपर्ट सेशन में रुक्मणी बैनर्जी सीईओ प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन तथा विनोद कराटे द्वारा जूम मीटिंग द्वारा एवं लखनऊ मिशन प्रेरणा सेल से जूही अली रजा अंकुर चौधरी एवं मंत्रा टीम के रोल प्ले द्वारा कार्यशाला में उपस्थित जनपद के लगभग 1000 शिक्षक संकुलों एआरपी एसआरजी को स्कूल लीडरशिप के लिए तैयार किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने संकुल शिक्षकों को प्रोत्साहित किया और उन्हें लीडर के तौर पर आने के लिए आमंत्रित किया। जिलाधिकारी ने अति शीघ्र गोरखपुर को प्रेरक जनपद पाने के लिए सभी को संकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने भी सभी शिक्षकों को संबोधित किया। उन्होंने सभी के समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनकर विद्यालयों के विकास कार्य एवं कायाकल्प में आ रही समस्याओं के निदान के लिए अध्यापकों को सुझाव एवं विद्यालय विकास के लिए खुद की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। कार्यशाला में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रविंद्र सिंह एवं जिला समन्वयक विवेक जायसवाल पूरी कार्यशाला में शिक्षकों के साथ मौजूद रहे। दूसरा भाग पूर्ण है मासिक बैठक का आयोजन करना। तीसरा भाग बैठक के दिन की तैयारी। चौथा भाग हर माह अपनी न्याय पंचायत का कोई एक विधि प्रस्तुतिकरण के लिए प्रेजेंटेशन चर्चा टीएलएम के नमूने के साथ पुनः साझा करें। याद रहे कि शिक्षक सब समझेंगे कि एजेंडा बिंदु के अनुसार बैठक का सत्र विभाजन किस प्रकार किया जाए। एजेंडा बिंदु के अनुसार बैठक का नोटबुक एवं पेन साथ रखें ताकि बैठक के दौरान आवश्यक सुझाव को लिखा जा सके। बैठक में एक सकारात्मक बाहर जितनी भी चीजें होती है, जितनी भी कायनात लगी हुई है, वो अर्थहीन रह जाए। और अगर उस शास्त्रों के अंतर्गत पद्धतियों को हमें सुधारना है, हमें बेहतरीन रखना है, तो उसके लिए आपके गतिविधियां, मासिक गतिविधियां, आपके शिक्षक संकुल के रूप में कार्य निर्वहन अति महत्वपूर्ण हो जाता है। स्कूल को प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों को एक टीम बना के नेतृत्व क्षमता के साथ, आंतरिक मनोबल के साथ, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ चलाना है। इसलिए सारे अधिकार आप चाहे आप देख लेंगे प्रतिनिधान किया गया, छुट्टियों के स्वीकृतियों से लेके स्कूल संचालन से लेके कॉम्पोजिट ग्रांट से लेके मिड डे मील से लेके क्लासरूम के लेसन प्लान्स को अपने अभिनव प्रयासों से जोड़ के करने से लेके सब कुछ किया गया। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि किन क्या फ्रेमवर्क हमारा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। पृष्ठभूमि और बड़ा पिक्चर जो है समझना बहुत जरूरी है। इस जनपद में हमने बीड़ा उठाया। अभी सबसे पहले ऑपरेशन कायाकल्प के तहत दिसंबर तक सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं को आच्छादित करके संतृप्त करने का बीड़ा हमने उठाया। उसके लिए सभी प्रधानों के साथ कार्यशाला हुई है, सभी तकनीकी सहायकों के साथ मैनुअल देके उनको प्रशिक्षण दिया गया है। और अभी बरसात के सीजन के बाढ़ के बाद पूरे मिशन मोड पे कंट्रोल रूम के तहत मॉनिटरिंग हो रही है। प्रत्येक दिन बीओ की अध्यक्षता में छोटी छोटी बैठकें प्रधानों के साथ हो रही है। जहां समस्याएं आ रही है, चाहे जमीन का अतिक्रमण है, कहीं एस्टिमेट नहीं बन रहा है, कार्यों में समय नहीं, ये सब समस्याओं को हल करने के कर रहे हैं। उसमें भी आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर कहीं आपको हेडमास्टर कोई पीड़ा बता रहा है, कोई समस्या बता रहा है, तो उसको सूचीबद्ध करके एक छोटा सा हाथ से लिखा हुआ पत्र आप खंड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर देंगे तो वहां उनके क्रियान्वयन में समस्या हो जाएगी और आपको और प्रधानाध्यापक का रिश्ता बढ़ जाएगा, आपके और सहायक अध्यापक का रिश्ता बढ़ जाएगा। वहां के स्थानीय परिस्थितियों के साथ आप एक नेतृत्व क्षमता देने के लिए उभर के आएंगे।